नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसी की सर्विस घर पर ही करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, आप घर पर ही अपनी एसी की सर्विस कर पाएंगे। दोस्तों मैं हूं प्रदीप गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रदीप बेसिक ज्ञान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फिल्टर जाली साफ हम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर भी डस्ट कभी कभी जो है इकट्ठी होती होती ज़्यादा हो जाती है। जिस तरीके से ये देखिए यहाँ पे कितनी डस्ट ये लगी हुई है, तो इसको भी हमको साफ करना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, इसको साफ करने के लिए देखिए दोस्तों इसमें भी काफ़ी डस्ट जो है जमा हो चुकी है, तो इसको साफ करने के लिए हमको ये इंडोर यूनिट खोलनी पड़ेगी। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो ये ढक्कन है इसको खोलने के लिए यहाँ पे लॉक, ये दोनों साइड से लॉक होता है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये जो लॉक इसमें ये बना हुआ है, सारे एसी में आपको सब स्प्लिट एसी में इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पे हमको करना क्या है, इस लॉक को ऐसे दो उंगली से, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से पकड़ के ऐसे बाहर की तरफ इसको खींचना है। दोनों साइड से ऐसे करेंगे हम, दोनों साइड में इस तरीके के लॉक होते हैं, हम दोनों को जो है एक साथ ऐसे पकड़ेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे और ये इस तरीके से ये खुल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों ये खुल चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये फिल्टर है, इन फिल्टर को हमको साफ करना होता है। इनको कैसे निकालते हैं वो अब आप देख लीजिए। यहाँ पर ये फिल्टर की जाली फंसी हुई है, ये देखिए ये दोनों यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हल्का सा ऊपर उठाएंगे। ये देखिए ये हमने इसको ऐसे ऊपर उठाया, अब इस लॉक में से ये बाहर निकल आया है। ये देखिए ये बाहर निकल आया, अब इसको जो है हम खींचेंगे नीचे। और ये देखिए यहाँ पे जो है ये खांचा बना हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पे एक ये खांचा बना हुआ है, एक ये खांचा बना हुआ है। तो ये क्या काम करता है, इसी खांचे के अंदर से ही ये अंदर जाएगा, शटर की तरह काम करेगा और ये यहीं से वापस बाहर आएगा। जब हमको लगाना है तो इन्हीं खांचों का ध्यान देना है, इसी में जो है इस तरीके से हम इसको ऊपर चढ़ा देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों ये बाहर निकल आया। सेम इसी तरीके से हमको एक और इसमें जाली लगी होगी, उसको भी इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये पकड़ने के लिए दिया हुआ है, इसको पकड़ेंगे ऐसे ऊपर थोड़ा सा उठाएंगे, ये बाहर निकल आया है। अब हमको ये बड़े आराम से इस तरीके से खींच लेना है। तो ये हमारे फिल्टर बाहर निकल आए हैं। दोस्तों इंडोर यूनिट खोलने के लिए हमको इसमें कुछ स्क्रू दिए हुए हैं, तो इन स्क्रू को खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ये है, ये देखिए हम इसमें लगाते हैं और इस तरीके से खोल देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे पूरा ऊपर उठा के इसको सीधा ऐसे ऐसे खींचेंगे। ये देखिए इस तरीके से बाहर निकल आएगा। और अब हमको क्या करना है, ये डिस्प्ले के लिए ये दिया हुआ है जैक, इस डिस्प्ले को हमको निकालना होगा। तो सबसे पहले हमको डिस्प्ले निकालना है, बाद में हम इसको निकालेंगे। इसके लिए ये जैक के लिए ये देखिए यहाँ पे हम ऐसे दबाएंगे इसको और इसको ऐसे खींच देंगे, तो ये हमारा जैक निकल गया। ये देखिए अब जो है ये हिस्सा फ्री हो चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कुछ स्क्रू हैं, ये देखिए इसको हम ऐसे ऊपर उठाएंगे। ये देखिए यहाँ पे स्क्रू दिखाई दे रहा है, सेम इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे भी है, इसको भी हम ऐसे ऊपर उठाएंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ पर भी है। तो ये जो है तीन जगह जो हमको स्क्रू यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए इन तीनों स्क्रू को हम खोलेंगे, तब ये हमारा जो है बाहर निकलाएगा केस। तो दोस्तों अब हमको ये इंडोर यूनिट का कूलिंग कॉइल साफ करना है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है डस्ट लगी हुई है, चिपकी हुई है। तो इसको साफ करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना है दोस्तों, क्योंकि जब हम इसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद इसका सारा कचरा जो है यहाँ पे गिरेगा अंदर, और ये जो है पूरा अंदर से होते हुए इसका जो आउटलेट का पाइप है उसमें से बाहर निकलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, पाइप जो है हमारा चोक हो जाता है, तो फिर वो पानी फिर वापस अंदर से यहाँ से टपकने लगेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए,
इसका जो पानी बाहर निकलने का जो रास्ता है उसको हम छेद को बंद कर देंगे। जब सफाई पूरी हो जाएगी तो फिर हम इस यहाँ पे साफ करके वापस उसको छेद को खोल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको छेद दिखाई दे रहा है, इसको हमको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये चोक हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हमने इसका छेद बंद कर दिया है। और अब हम दोस्तों इस प्रेशर वाली बोतल का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल करेंगे और साथ में जो है इस ब्रश का भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें दोस्तों कोई भी हार्ड ब्रश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एल्युमिनियम की पत्तियां होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं और ये जरा से में ही टेढ़ी हो जाएगी, जरा भी अगर हम प्रेशर या फोर्स लगाते हैं तो इसको बहुत ही कायदे से, बहुत आराम से हमको इस तरह से साफ़ करना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से साफ़ करना है। ये देखिए कितना इसमें से कचरा निकल रहा है। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ऐसे हम इसकी सफाई करेंगे। ये देखिए कितना क्लीन हो रहा है, ये देखिए आप। तो इस तरीके से दोस्तों ये साफ हो जाएगा। हमको पूरे में जो है हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये पूरा जो है हमको क्लीन करना पड़ेगा ये, तब जो है हमारा कूलर और भी अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा। सेम यही तरीका होगा हमारा साफ करने का। ब्रश जो है हमको ऐसे में नहीं चलाना है, ब्रश इस तरह से खड़े में चलाना है, इस तरीके से, जिससे कि इसके अंदर जो भी डस्ट है वो सारी निकल जाए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कूलिंग कॉइल बहुत अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। घर पर हम इसको इस तरीके से साफ कर सकते हैं। और अब जो है, जो भी जितनी भी गंदगी थी वो सारी जो है यहाँ से बहते हुए, ये देखिए पूरी गंदगी यहाँ पे ये भरी हुई है। तो इसको बंद करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारा बाहर आउटलेट वाला पाइप जो है वो चोक हो जाता। तो अब हमको अब ये साफ करना है, पानी यहीं से बाहर निकाल लेंगे, पाइप के द्वारा नहीं निकालना है हमको। ये सारी गंदगी जो है ये हम यहीं से इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, तो अब इससे फ़ायदा ये है कि अब ये हम देखिए कपड़ा इसमें हमने घुसेड़ दिया था, इस छेद को बंद किया था हमने, तो इससे ये फ़ायदा हो गया कि हमारा जो है पाइप चोक नहीं हुआ है, नहीं तो हमको डबल मेहनत करनी पड़ती। दोस्तों हमारी इंडोर यूनिट जो है क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल जो कूलिंग कॉइल है एकदम सही हो गया है। अब जिस तरीके से हमने इसको खोला था सेम उसी तरीके से इसको वापस कस देंगे। इसको जो है थोड़ा सा ऐसे दबा के, ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे दबा के, क्योंकि उसमें खांचे बने हुए हैं तो खांचों में जो है ऊपर से फिट हो जाएगा, जिससे कि आगे को नहीं खिसकेगा। ये देखिए, तो ये हमने जो है इसको फिट कर दिया और अब आराम से ऐसे लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो है ये यहाँ से ऐसे निकलेगा, ये हमारा डिस्प्ले वाला वायर है, इसको यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए, और इसको जो है इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए, ये स्क्रू वाले छेद हैं और यहाँ खांचे में हमको सही तरह से बिठाना है। बस ध्यान इतना रखना है कि जिस तरीके से हमने निकाला था उसी तरीके से लगाना है। ये देखिए, ये खट खट की आवाज़ आ रही है, जैसे ये निकला था खांचों में उसी तरीके से बैठता जा रहा है और ये जो है बिल्कुल सही आ गया। ये देखिए, सारे छेद इसके आमने सामने हो गए हैं और ये कंप्लीट हो गया है। अब जो है इसके स्क्रू हम लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे 1 2 3, ये 3 स्क्रू लगे हुए थे, इनको लगाना है और यहां से हमने 2 स्क्रू निकाले थे, इनको लगाना है। तो जल्दी से इनको हम लगा देते हैं। ये जो ढक्कन है स्क्रू से छुपे हुए थे, तो इनको ये
लगा देने हैं वापस। ये देखिए अब ये लगा दिए, देखिए स्क्रू दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखिए दो स्क्रू ये बचे हैं, इनको भी लगा देते हैं इस तरीके से। अब ये दोस्तों इस पे ध्यान ये देना है कि हमारा राइट साइड में जो एक डीसी मोटर लगी हुई है वो इस पूरी पट्टी को, फ्लिपर को ऐसे घुमाती है, तो बहुत आराम से काम करना है, कुछ टूटना नहीं चाहिए। इसके लॉक ये लगे हुए हैं 1, 2, 3 और ये जो है सीधा मोटर में फिट हो जाएगा। इसको लगाने के लिए ये यहाँ पे हमने लगाया और ये देखिए एक दो तीन, ये तीनों लग चुके हैं। अब ये जो है मोटर में फिट होएगा, तो उसके लिए अब थोड़ा सा इसको हल्का सा बेंड भी करना पड़ता है दोस्तों, ये ऐसे बेंड करके, और ये हमने ये लगा दिया, ये अब हमने साइड में ऐसे कर दिया, ये हमारा मोटर में फिट हो चुका है। देखिए दोस्तों इसको कैसे फिट करेंगे हम। सबसे पहले इसको जो है बिल्कुल ये जो ये है लॉक, ये हमारा सीधा जाएगा, तो इसको पूरा जो है इस तरह से वर्टिकल कर देंगे और इस तरीके से, ये देखिए ये ऐसा सीधा गया अंदर, यहाँ पे भी ये सपोर्टर पहुँच गया है। अब जो है इसको दबा के ये देखिए, अब ये जो है हमारा लग गया है। अभी इसमें डिस्प्ले वाला ये जो केबल है ये लगानी है हमको, नहीं तो डिस्प्ले काम नहीं करेगी। तो देखिए दोस्तों, दोस्तों ये जो डिस्प्ले की केबल है, ये जो जैक जो है, ये कभी भी उल्टे सीधे नहीं लगते हैं, इसीलिए हमको इसमें टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा ये तार उल्टा सीधा ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, एक साइड इसमें लॉक रहता है, एक साइड प्लेन रहता है, तो ये एक ही साइड में लगेगा। ये पलट के अगर हम सोचें लगाने को तो ये नहीं लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जैक लग चुका है। तो ये देखिए कपड़ा वाला जो था ये लेफ्ट साइड में था, इस चीज़ का ध्यान देना है। ये देखिए दोस्तों, ये जो खांचा बना हुआ है, इस खांचे में जो है ये ऐसे चढ़ जाएगा, वहीं पर फिट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, ये देखिए यहाँ पे दूसरे फिल्टर के लिए दिया हुआ है। तो अब इसी में जो है हमको इस तरह से ऐसे टच करना है इसको, और इसको धीरे धीरे ऊपर खिसकाते जाना है। और ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको खिसकाते जाना है, और पूरा ऊपर तक जाने के बाद में ये यहाँ पे ये नीचे लॉक लगे हुए हैं, जिससे कि ये नीचे जाली नहीं गिरेगी। और ये हमने इस तरह से करके, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा फिल्टर जाली लग चुका है। सेम इसी तरीके से ये देखिए इसको हम कैसे फिट कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने पूरा ऊपर खिसकाया और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बेंड करके इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे हल्का सा दबा दिया। ये देखिए हमारे फिल्टर भी जो है, फिल्टर जाली इस तरह से लग चुकी है। और अब जो है इसको हमको इस तरीके से दबा देंगे और ऐसे दबा देंगे। अब हमारे ये साइड में जो दोनों लॉक थे वो उसने जो है इसको पकड़ लिया है, ये फिट हो गया है। इस तरह से हम अपने एसी की सर्विस घर पर कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है दोस्तों। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।